आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये हमारी इंडस्ट्री के उस सीरियल में काम कर चुके हैं जिस कारण लोग टीवी देखना पसंद करते थे, एंटरटेन होते थे। इन्होंने थिएटर भी किया है, इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी अगर किसी ने दिलाई है इन्हें तो वो है इनका टीवी शो ऑफिस ऑफिस, जिसमें ये पांडे जी का किरदार निभाते थे। बात करेंगे एक्टर हेमंत पांडे की। कब क्यों और कैसे मैं हेमंत पांडे की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब हेमंत पांडे को शहर से गांव भेज दिया गया, क्यों हेमंत पांडे को एक टाइम पर ब्रेड को पानी में डुबोकर गीला करके पेट भरने की स्थिति झेलनी पड़ी, और कैसे इंडस्ट्री में कॉरपोरेट कल्चर और सुपर स्टारडम के तले कुछ बेहतरीन एक्टर्स कहीं दब से गए। एक्टर हेमंत पांडे को हम ऑफिस ऑफिस सीरियल में देख चुके हैं। इस सीरियल में उन्होंने पांडे जी का किरदार निभाया था और यहीं से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। हेमंत पांडे बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, पथौरगंज करके वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के वो रहने वाले थे। बड़ी फैमिली में वो रहते थे और बचपन से ही नाटक का बहुत शौक था, मिमिक्री किया करते थे, और स्कूल टाइम में पढ़ाई कम, कल्चरल एक्टिविटीज़ में उनका ज़्यादा ध्यान रहता था। पथौरगंज के GIC स्कूल से उन्होंने 12th तक की पढ़ाई की। इस दौरान कई बार वो फेल भी हुए और थिएटर में काफ़ी एक्टिव रहे, और इस दौरान प्ले, नाटक, एक्टिंग, इन चीज़ों से उन्हें बेहद प्यार हो गया था। क्योंकि हेमंत पांडे पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, स्कूल में बहुत गंदे ग्रेड्स उन्हें मिले थे, यही कारण था कि फैमिली ने कुछ समय के लिए उन्हें पथौरगंज से एक छोटे गांव में भेज दिया था जहां पर उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, और इसके बाद कुछ साल उन्होंने उस गाँव में ही बिताए। इस गाँव में करने को कुछ नहीं था लेकिन सोचने के लिए बहुत वक्त था, और इतने टाइम में उन्हें ये चीज़ क्लियर हो गई कि उन्हें आगे लाइफ में अगर कुछ करना है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग। एक्टिंग को लेकर काफ़ी जानकारी वो जुटा चुके थे कि कहाँ से क्या ट्रेनिंग मिलती है और क्या रास्ता है इस एक्टिंग की दुनिया में घुसने का। उन्हें पता था कि दिल्ली जाकर ही सारा काम होने वाला है। इसी दौरान मार्च का महीना आया। इस दौरान उत्तराखंड में एक कल्चर है कि जिन बेटियों की शादी हो जाती है उन्हें मार्च के महीने में गिफ्ट भिजवाया जाता है, और तब हेमंत पांडे की जो सिस्टर हैं वो दिल्ली में रहती थी। हेमंत पांडे ये मौका छोड़ना ही नहीं चाहते थे, उन्हें तो दिल्ली जाना ही था, और अब रीज़न भी मिल गया था दिल्ली जाने का। तब उन्होंने अपनी मदर को कहा कि इस बार सिस्टर को गिफ्ट, जिसे वहाँ की ट्रेडिशनल लैंग्वेज में भिटोला कहते हैं, वो मैं ही देने जाऊँगा। और जब मदर ने सामान पैक करके हेमंत पांडे को दिया तब जाते वक्त उन्होंने मदर को कह दिया कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं कुछ बनकर ही आऊँगा। और ये था वो दिन जब हेमंत पांडे ने पथौरगंज छोड़ दिया। दिल्ली आकर उन्हें पता था कि मंडी हाउस, श्रीराम सेंटर और NSD वो जगह है जहाँ पर थिएटर के लोगों का उठना बैठना है और यहीं से एक्टिंग का काम मिल सकता है। तब उन्होंने एक NGO ज्वाइन किया। इस NGO के तहत कई सारे प्लेज होते थे और कठपुतली का शो भी दिखाया जाता था। हेमंत ने वो NGO सिर्फ और सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया कि एक तो वो NGO के लिए नुक्कड़ नाटक का हिस्सा बन पाए, और साथ में कमाई का भी जरिया उन्हें मिल गया था। कठपुतली का शो वो किया करते थे जिसके लिए उन्हें 50 रुपये मिलते थे। जनमाध्यम ये NGO था। कुछ सालों तक जनमाध्यम के साथ काम किया, काफ़ी प्लेस का हिस्सा रहे, अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, जिसके बाद उन्होंने NSD की रेपेट्री कंपनी में काम की तलाश करना शुरू कर दी, और इसी दौरान उन्हें रेपेट्री कंपनी में काम मिला भी। 2500 रुपये उस दौरान उनकी पगार थी, और इसमें उन्हें नाटक की तैयारी करना, प्लेस करना, ये सब करना होता है। आपको बता दें कि NSD की जो रेपेट्री कंपनी है वहाँ पर उन लोगों को काम दिया जाता है जिन्हें ना सिर्फ थिएटर का एक्सपीरियंस हो बल्कि कला को सिखा सके। रेपेट्री कंपनी में रहने के दौरान काफ़ी थिएटर के लोगों से और मिलना जुलना हुआ, ग्रुप बड़ा होता गया, प्लेस करते रहे। इसी दौरान बैंडिट क्वीन फिल्म की जब कास्टिंग हुई थी तो कास्टिंग के लिए ज़्यादातर एक्टर्स को NSD से ही ढूंढा गया था। हम सब जानते हैं कि NSD के ही एक्टर्स ने इस फिल्म में काम किया था, शेखर कपूर ने इस फिल्म को बनाया था, और इस फिल्म में हेमंत पांडे को पहला रोल मिला था। ब्लिंक एंड मिस अपेयरेंस थी, लेकिन एक बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्म थी, इसीलिए तब हेमंत पांडे ने इस फिल्म में काम किया। और इस फिल्म के बाद NSD के कई सारे एक्टर्स थे जो मुंबई की तरफ आ रहे थे, तो उसी फ्लो में बहते हुए हेमंत पांडे भी यहाँ मुंबई में आ गए। लेकिन मुंबई आते ही सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आप रहोगे कहाँ।
काम तो आपको ढूंढना है, लेकिन काम ढूंढने के दौरान आप अपनी रात कहाँ बिताओगे। और ये वो टाइम था जब हेमंत पांडे को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में जीना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि ऐसा भी टाइम था जब 6 रुपये में हाफ प्लेट राइस मिलता था, उससे अपना दिन गुजारते थे, और जब कभी 6 रुपये भी नहीं हुए तो फिर ब्रेड को पानी में डुबोकर उसी से पेट भरा। कुछ इस तरीके से उन्होंने इस मुंबई में अपने आप को बुरे वक्त में ढाल लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त के बाद एक अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। मुंबई आने के बाद हेमंत पांडे को कुछ टाइम स्ट्रगल करने के बाद एक सीरियल मिला। ये सीरियल शेखर कपूर बना रहे थे और तिग्मांशु धूलिया उन्हें असिस्ट कर रहे थे। काफ़ी बड़े चेहरे इस सीरियल में काम कर रहे थे, ज़्यादातर लोग NSD से ही आए थे। इस सीरियल का नाम था हम मुंबई नहीं आएंगे, और इस सीरियल में उन्हें एक रेगुलर किरदार मिल गया था जिसके लिए 500 रुपये उन्हें फीस दी जा रही थी और 100 रुपये कन्वेंस के लिए मिल रहे थे, यानी कि मुंबई में रहने के लिए और खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा मिलना अब शुरू हो गया था। इसी दौरान हेमंत पांडे ने कुछ और छोटे मोटे काम किए, कभी दूरदर्शन के लिए गुलाबी नाम की फिल्म में काम किया तो कभी TV सीरियल्स में। इसी दौरान ताक झांक करके एक सीरियल आया करता था। ये सीरियल काफ़ी एंटरटेनिंग था और इसी सीरियल में उन्होंने एक रोल निभाया था। और ताक झांक के दौरान ही उन्हें स्पॉट किया गया और ऑफर किया गया सीरियल ऑफिस। आपको बता दें कि ऑफिस में वैसे भी इंडस्ट्री के काफ़ी बेहतरीन कलाकार काम कर रहे थे जो NSD और दिल्ली के बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते थे। तो यही कारण है कि हेमंत पांडे को भी ऑफिस सीरियल ऑफर हुआ, जिसमें उन्होंने पांडे जी का किरदार निभाया। और ये जो पांडे जी वाली इमेज थी, ये हेमंत पांडे के साथ आज तक चिपकी हुई है। इस सीरियल में पंकज कपूर, मनोज पावा और संजय मिश्रा जैसे एक्टर्स ने काम किया था, और उसमें पांडे जी का अपना अलग किरदार था। वो अपनी अलग रिश्वत लिया करते थे लोगों से। इस सीरियल का कंसेप्ट ये था कि आम आदमी गवर्नमेंट ऑफिस में जब अपना काम करवाने आता है तो उसको कितनी परेशानी होती है और उसका काम कैसे अधिकारी जो है हर बार टाल देते हैं। इस सीरियल का हर एक किरदार बहुत फनी और बहुत एंटरटेनिंग था, और ये वो सीरियल था जो जनता को TV के सामने लाकर बिठा देता था, और इस सीरियल को देखकर लोगों को खुशी और एंटरटेनमेंट फील होता था। वहीं अगर आज के डेट की बात करें तो आज के दिनों में जिस तरह की फिल्में आती है वो रियलिटी से तो बिल्कुल ही अलग है। फिल्मों को देखकर कहीं ना कहीं इन दिनों लोग जो हैं वो डिप्रेस होकर या ऐसा सोचकर निकलते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, इतने अच्छे कपड़े, इतनी अच्छी बॉडी, हर चीज़ खूबसूरत दिखाई जाती है, आउट ऑफ द बॉक्स दिखाई जाती है, यहाँ पर आम जिंदगी जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। वहीं अगर बात करें ऑफिस सीरियल की तो उसमें वही कुछ होता था जो वाकई में आम जिंदगी में लोग फेस करते हैं और कनेक्ट करते थे लोग, इसीलिए ये सीरियल देखकर लोगों को बहुत खुशी होती थी। और यही वो टाइम था जब पांडे जी का किरदार इतना मशहूर हो गया कि उन्हें फिल्मों में भी काम मिलना शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने मुझे कुछ कहना है, रहना है तेरे दिल में जैसी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार किए, लेकिन उन्हें फिल्मों में बड़ी कामयाबी दिलवाई 2006 में आई फिल्म क्रिश में, जिसमें ऋतिक रोशन नज़र आए थे। इस फिल्म से पांडे जी कहते हैं कि उन्हें और ज़्यादा पहचान मिली और ये फिल्म उनके करियर के लिए सबसे बेस्ट फिल्म साबित हुई। इसके बाद हेमंत पांडे जो हैं वो TV सीरियल्स, फिल्में और थिएटर तीनों जगह रेगुलर लगातार तरीके से काम करते नजर आए। क्रिश के बाद वो रेडी और हाल ही में कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों में नजर आए। हेमंत पांडे की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो उनकी वाइफ है पुष्पा पांडे, जिनसे उन्हें 2 बेटे हैं। हेमंत पांडे इंडस्ट्री के एक बेहतरीन कलाकार हैं, एक लंबा समय उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ये इंडस्ट्री जब से कॉरपोरेट हुई, जब से फिल्मों से एक्टिंग और कहानी कहने से ज़्यादा पैसा कमाना ज़रूरी हो गया और एक्टर से ज़्यादा फिल्मों में स्टार होने ज़रूरी हो गए, तब से कहीं ना कहीं हमारे जो ये ब्रिलियंट एक्टर्स हैं जो हमें सालों से एंटरटेन करते आए हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए फिल्मों में अगर किरदार होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ साइड रोल्स या फिर वो रोल्स जिसमें बस 2-4 डायलॉग्स होते हैं। सोचिए एक एक्टर को अपने आप को कितना मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता होगा जब वो इतने साल इस इंडस्ट्री को दे चुका है और एक फिल्म में उसका हिस्सा है चंद 5 मिनट का या 10 मिनट का, या डायलॉग्स हैं सिर्फ 2-4 लाइन्स के। हेमंत पांडे इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाए हैं क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री को लेकर अपनी एक अलग सोच जो है वो कायम की है। उनका कहना है कि इस इंडस्ट्री में आकर फेल होना तो निश्चित है,
लेकिन सक्सेस के भी चांसेस है, और यही एक बात है जिसने उन्हें इस इंडस्ट्री में इतने समय तक एक्टिव रखा। नो डाउट बदलते समय के साथ इस इंडस्ट्री ने टर्नओवर के मामले में बहुत पैसा कमाया है, लेकिन टैलेंट और एक्टिंग के मामले में हम बहुत पीछे गए हैं, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता। हेमंत पांडे का कौन सा किरदार, उनकी कौन सी फिल्म, कौन सा सीरियल आपको बहुत पसंद आता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना और फॉलो करें हमें इंस्टा पे। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।